हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पाइपिंग की डोरी कैसे बनाते हैं। इसका हम एक इजी तरीका लेके आए हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ओके, तो चलिए, यहाँ पास हमने एक फैब्रिक लिया है और हमने इस पर 1.25 इंच की पट्टी खींच ली है, मतलब लाइन ड्रॉ कर ली है। ओके, तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ओके, तो हमने इसे बराबर से तिरछी लाइन में कटिंग करना है। हमेशा हमें जब भी पाइपिंग की डोरी बनाना है तो तिरछी लाइन में कटिंग करना है। ओके, आपको ये बात ध्यान रखनी है, तिरछी लाइन में कटिंग करना है, क्योंकि हमारी इससे फिनिशिंग आती है और हमारी पाइपिंग की डोरी अच्छी बनती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। हम इसे ऐसे करके मिलाएंगे, इस टाइप से हम ऐसे मिलाते चलेंगे और इसे हम सीधा करके इस मशीन के हुक में फिट कर देंगे। ओके, हमने इस पट्टी पर इसके इस पोर्शन में स्टिचिंग कर ली है। ओके, चलिए हम एक बार और स्टिचिंग कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने दूसरे कलर का धागा इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आए कि सिलाई कहाँ कहाँ करनी है। ओके, तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी ये जो पट्टियाँ थी ये जुड़ चुकी हैं और जहाँ जहाँ से ये बराबर नहीं आई हैं, चलिए हम इन्हें कट कर लेते हैं। हमने कट कर लिया। ये देखिए, अभी हम इस पट्टी पर भी स्टिचिंग लगा रहे हैं। हमें एकदम महीन भी नहीं करना है, हल्का सा हमें स्पेस रखना है ताकि जब हम उस पर पाइपिंग को सीधी करें तो फिर वो हो सके। ज़्यादा स्टिचिंग महीन हो जाती है तो जब हम पाइपिंग को सीधी करते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं, महीन नहीं बोलना है, बारीक बोलना है। हमें कपड़े को एक सीध पर ही सिलाई करना है। अगर कपड़े इधर उधर होते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़े होंगे ना, वो हमारे दब जाते हैं, तो फिर हमारी जो पाइपिंग आती है वो अच्छी नहीं आती। ओके, तो हमें एक ही सीध पर रखे हुए सिलाई करनी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, हमने इस पाइपिंग वाली डोरी की जो स्टिचिंग थी वो कंप्लीट कर ली है। हमने एक ही सीध पर रखते हुए इसे सिलाई लगाई है, तिरछा बिल्कुल भी नहीं किया है। ओके, तो चलिए अब हम इसमें इसे सीधा करने का तरीका देखते हैं। इस तरीके से हम ये जो स्टिचिंग थी इसके आगे वाले पोर्शन पर नॉट लगा लेते हैं। हमें 5-6 बार इस पर इसी तरह से नॉट लगानी है ताकि एकदम मजबूत रहे, ताकि बीच में हमारा धागा ये टूटे ना। ओके, हमने बहुत मजबूत से नॉट लगानी है। चलिए हम नॉट लगा लेते हैं। तो हमने ये ऐसे पाइपिंग को घुसेड़ते हुए पीछे वाला पोर्शन होता है, इस पोर्शन से हम ये अपनी पट्टी पर और ये जो होल था इसमें डालेंगे। चलिए हम डालना शुरू करते हैं। ये डाल रहे हैं इसमें। हमें पीछे की ओर से ये हल्का सा खींचते भी जाना है। आगे
फ्रेंड्स हमारी पाइपिंग ये निकल आई है, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है धागे का इसे हम काट देते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छी पाइपिंग हुई है, यहाँ पास कितनी महीन और बारीक पाइपिंग हुई है। और ये पाइपिंग हमारी स्ट्रेचेबल भी है, आप देख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम ब्लाउज़ में इसे खींच कर लगाते हैं और हम इसीलिए इसे तिरछी कटिंग किए थे, ओके, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल रहे, ओके। सो गाइज हमारी ये वीडियो यहीं पास ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, ओके। तो बाय बाय।